हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्स। अभी बज रहे रात के 8। मैं गई थी ऑफिस और आई एम वेरी टायर्ड। बैंगलोर की ट्रैफिक, 3-3, 6 घंटे का मेरा 2 and 4 ट्रैवल हो जा रहा है ऑफिस के लिए, उसके बाद पूरे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बट मुझे लगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्फॉर्मेशन है, मैं शेयर कर देती हूँ। एज अ पेरेंट जब हम बच्चों को लेकर ट्रैवल करते हैं, हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, हर वक्त उन पर नज़र रखना, कहाँ गए ये देखते रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सिंपल करने के लिए मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो मैंने अमेजोन से खरीदा, एंड लिटरली इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। ये देखिए वो चीज़। तो अभी कुछ दिन पहले ही, लास्ट मंथ, हम एक रिजॉर्ट गए थे, वहाँ एक इंसिडेंट हो गया जहाँ मैं जस्ट आगे आगे वॉक कर रही थी अपनी डॉटर के साथ और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा टर्न किए थे कुछ फोटोज लेने के लिए, एंड व्हेन ही टर्न बैक ही इज़ लाइक कि ही थॉट कि रिदान मेरे साथ है, एंड व्हेन ही केम टू मी इज आस्किंग मी रिदान कहाँ है। मैंने बोला रिदान तुम्हारे पास था, मैं तो रिदा के साथ हूँ। तो वो हमारे लिए शॉकिंग मोमेंट था क्योंकि रिदान खो चुका था, एंड इट वॉज ऑलमोस्ट 5 मिनट्स ऑफ पैनिक वी वर इन। तो एक बहुत ही अच्छी लेडी थी जिनका मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। वो रिदान का हाथ पकड़ के लेके आ रही थी, उनके उसके पेरेंट को ढूंढ रही थी, सो वी वेर वेरी वेरी थैंकफुल। और उसी वक्त मैं घर जब वापस आई, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था, ऐसा कौन सा चीज़ है जो मुझे उस पर नज़र रखने पर मदद कर सकता है, एंड देन इन अमेजोन आई फाउंड दिस। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे काम करता है। रिदान इधर आओ बेटा, ये इस साइड का ये पेरेंट के पास होता है। दिस साइड ऑफ लॉक इज विद द पेरेंट एंड दिस साइड ऑफ लॉक इज विद द चाइल्ड। ये यहाँ पे हमें ऐसे लगाना है, ठीक है, और ये इसके अंदर से जाएगा ऐसे, फिर इसके ये यहाँ से ऐसे इसके अंदर से जाएगा, ये ऐसे यहाँ से जा करके फिर हमको इसके अंदर से मूव करना है, और ये यहाँ पे हमको ये ऐसे इसको पुट करना है। ये यहाँ जाके ख़त्म नहीं होता है, अभी उसके बाद आप ये आपने यहाँ पे लगा दिया, और सेफ्टी के लिए देखिए यहाँ पे की है, ये देखिए यहाँ पे एक होल दिख रहा है आपको, इस होल पे आपको डालना है और ऐसे लॉक कर देना है। आप ये बच्चा नहीं खोल पाएगा, ये लॉक हो गया, दिस इज लॉक्ड। ये पेरेंट को अपने हाथ पे लगा लेना है इस तरह से, ये देखिए ये यहाँ पे ऐसे लॉक हो गया हमारे हाथ में, एंड नाउ वी कैन वॉक प्रॉपरली। इसमें भी आपको ध्यान देना है, जब अगर आप मॉल वगैरह में गए, रिदान कम यार, अगर आप मॉल वगैरह में गए हो तो प्लीज़ ट्राई टू होल्ड बेबीज हैंड। जब भी आप एस्केलेटर वगैरह या कोई चीज़ में जा रहे हो, पूरी तरह से उसे मत छोड़ना। ऐसे प्लेसेस जहाँ से हमें नीचे का दिख रहा है या हिल्स में है या कुछ है, तो ट्राई टू होल्ड द हैंड। अदरवाइज अगर प्लेन्स में हो या कुछ हो या कहीं पर ऐसे रिजॉर्ट वगैरह में, तो देन यू कैन कीप दिस। और एक बेनिफिट इसका क्या है, अगर इमरजेंसी है या किसी वजह से वो लॉक आपको खोलना है, तो यहाँ एक बटन दिया हुआ है, ये देखिए, ये बटन प्रेस करते ही ये यहाँ से खुल जाएगा इमीडिएटली। तो मैं इसका लिंक अभी वीडियो में नीचे शेयर करने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप भी गो थ्रू करें, एंड आई वुड सीरियसली रेकमेंड दिस फॉर एवरी टॉडलर। उसके बाद आप इसे पहन के बिंदास घूमिए, सीरियसली। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे सारे टिप्स और वीडियोस और मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के लिए कीप वॉचिंग फ्लेवर्स। प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताएं अगर आप कुछ और प्रोडक्ट भी देखना चाहते हैं या हमारे शेयर किए हुए वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। टिल देन बाय, कल फिर से ऑफिस जाना है, सो आई विल जस्ट गो एंड हैव माई डिनर एंड स्लीप। गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्लेवर्स, से गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।